धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीमे कहूं, कभी तुम कहो। साल 1991 के नवंबर महीने में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी और वो भी एक दिन आगे पीछे। एक थी लम्हे और दूसरी थी फूल और कांटे। लम्हे रिलीज हुई थी 21 नवंबर को, जबकि फूल और कांटे 22 नवंबर को रिलीज हुई थी। जहां लम्हे के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, तो वहीं फूल और कांटे को डायरेक्ट किया था कुक्कू कोहली ने। लम्हे फिल्म को बड़े स्केल पर शूट किया गया था और चूंकि लम्हे यशराज बैनर की फिल्म थी तो इस फिल्म का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था, जबकि फूल और कांटे से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे उस वक्त के स्थापित नाम थे, इसलिए इस फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट था। लेकिन फूल और कांटे में दो एकदम नए स्टार्स थे। इसके डायरेक्टर भी पहली दफ़ा कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, इसलिए इस फिल्म से किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो हैरतअंगेज रूप से फूल और कांटे ने बड़े बैनर और बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म लम्हे को बुरी तरह से धो दिया। ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था ना। अरे कमाल करती हूँ यार, मैं अपने बचपन के दोस्त को साथ कैसे नहीं लाता। किस्सा टीवी की बॉक्स ऑफिस बैटल सीरीज में आज पेश है 1991 में रिलीज हुई अजय देवगन की फूल और कांटे व अनिल कपूर की लम्हे फिल्म के बीच हुए महामुकाबले की कहानी। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे फूल और कांटे इतनी आसानी से लम्हे जैसी फिल्म पर भारी पड़ी, और न केवल भारी पड़ी बल्कि लम्हे को चारों खाने चित भी कर दिया। पहले बात करते हैं लम्हे की। ये फिल्म 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। लम्हे एक टिपिकल यश चोपड़ा स्टाइल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म की शूटिंग लंदन के अलावा यूके के कुछ दूसरे हिस्सों में भी की गई थी। वहीं फिल्म के काफी सीन्स राजस्थान में शूट किए गए थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ड्यूअल रोल निभाया था। फिल्म में लीड हीरो थे अनिल कपूर और ये दोनों ही उस वक्त के बड़े स्टार थे, जबकि सपोर्टिंग रोल्स में अनुपम खेर, वहीदा रहमान, मनोहर सिंह, इला अरुण और विकास आनंद जैसे कलाकार नजर आए थे। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने बताया था कि लम्हे की कहानी का आइडिया उन्हें उस वक्त आया था जब वो सिलसिले फिल्म बना रहे थे, और फिल्म जब यश चोपड़ा की हो तो भला कौन सोच सकता है कि फिल्म में दम नहीं होगा। कहते हैं कि जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म की भर भर कर तारीफें की थी, और शायद इसीलिए जब लम्हे रिलीज हुई थी तो शुरुआत में बड़ी तादाद में दर्शकों ने सिनेमाघरों की तरफ रुख किया था। लम्हे के गीत तो काफ़ी पसंद किए गए, लेकिन फिल्म के साथ दर्शक कनेक्ट नहीं हो पाए। दूसरी तरफ फूल और कांटे की कहानी, इसका एक्शन, इसका म्यूजिक और इसकी कॉलेज लव स्टोरी लोगों को, खास तौर पर उस वक्त के कॉलेज गोइंग यूथ को भा गई। हालांकि 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी फूल और कांटे के बारे में कहा गया था कि ये फिल्म यश चोपड़ा की लम्हे के सामने कहीं भी नहीं टिक सकेगी, और ये बातें इसलिए कही जा रही थी क्योंकि फूल और कांटे के दोनों लीड एक्टर अजय देवगन और मधु एकदम नए थे। अजय के बारे में तो कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि ये लड़का देखने में हीरो जैसा तो कतई नहीं लगता, और चूंकि इस फिल्म के डायरेक्टर कुक्कू कोहली भी पहली दफ़ा डायरेक्शन कर रहे थे तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक नया नवेला डायरेक्टर यश चोपड़ा जैसे प्रोफेशनल और मास्टर डायरेक्टर को चुनौती दे सकेगा। फूल और कांटे में अजय देवगन और मधु के अलावा अमरीश पुरी, आरिफ खान, रजा मुराद, सत्येन कपूर, अंजना मुमताज, सुरेश चटवाल, गोगा कपूर, अरुणा ईरानी और जगदीप ने भी अहम रोल निभाए थे। फूल और कांटे में अजय देवगन के एक्शन सीक्वेंस बहुत पसंद किए गए थे, जो खुद उनके पिता वीरू देवगन ने
कोऑर्डिनेट किए थे। वैसे यहाँ ये बात भी जानने लायक है कि फूल और कांटे के लिए प्रोड्यूसर दिनेश पटेल की पहली पसंद अक्षय कुमार थे। अक्षय को साइन भी कर लिया गया था। कहा जाता है कि अक्षय कुमार बाद में तय रकम से ज्यादा की डिमांड करने लगे थे, इसलिए प्रोड्यूसर दिनेश पटेल ने अक्षय को हटाकर अपने दोस्त एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे विशाल वीरू देवगन उर्फ अजय देवगन को इस फिल्म में कास्ट कर लिया। कहते हैं कि जब फूल और कांटे फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम इस प्रीमियर में नहीं आया था। हालांकि सरप्राइजिंगली लम्हे के हीरो अनिल कपूर जरूर फूल और कांटे के प्रीमियर में आए थे। अनिल कपूर ने पूरी फिल्म देखने के बाद अजय देवगन और डायरेक्टर कुक्कू कोहली से कहा कि फिल्म अच्छी है लेकिन मेरी फिल्म के सामने इसे रिलीज करने की गलती मत करो। दरअसल अनिल कपूर को पूरा यकीन था कि लम्हे सुपरहिट होने वाली है। ऐसे में नए नवेले अजय देवगन की फिल्म का उनकी फिल्म के सामने टिकना मुश्किल है और इससे अजय के करियर पर बुरा असर पड़ेगा। यानी अनिल कपूर ने अजय देवगन से फूल और कांटे को बाद में रिलीज करने की बात किसी घमंड में नहीं बल्कि उनका भला सोचकर ही कही थी। लेकिन उस वक्त तक फूल और कांटे की रिलीजिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, इसलिए फिल्म को पोस्टपोन करने का विकल्प रहा ही नहीं था। खैर दोनों फिल्में रिलीज हुई और शुरुआती 3 दिनों के बाद ही नजर आ गया कि दर्शक लम्हे को नापसंद और फूल और कांटे को खूब पसंद कर रहे हैं। एक ही हफ्ते में फूल और कांटे लम्हे पर इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि कई सिनेमाघरों ने लम्हे को उतारकर फूल और कांटे को दिखाना शुरू कर दिया। 3 करोड़ रुपए में बनी फूल और कांटे ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की और ये फिल्म साल 1991 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जबकि 2 करोड़ रुपए में बनी अनिल कपूर की लम्हे महज 3 करोड़ रुपए ही जुटा सकी और इस तरह जहां फूल और कांटे सुपरहिट साबित हुई तो लम्हे सुपर फ्लॉप रही। कहते हैं कि उस बॉक्स ऑफिस क्लैश के कुछ दिनों बाद जब अनिल कपूर अजय देवगन से दोबारा मिले तो उन्होंने मजाक में अजय से कहा, यार तुमने तो मेरी फिल्म की बैंड ही बजा दी।